डबरा कुशवाहा छात्रावास डबरा में राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिराव फुले की जयंती के अवसर पर सभी समाज सेवियों ने महात्मा ज्योतिराव फुले की चित्र पर माल्यार्पण कर मिठाई बांटकर जयंती मनाई। इस अवसर पर छात्रावास डबरा के अध्यक्ष खेमराज कुशवाहा ने महात्मा ज्योतिराव फुले का परिचय में कहा, महात्मा गांधी से पहले देश में एक ऐसे महान समाज सुधारक पैदा हुए जिन्होंने छुआछूत, अशिक्षा, सामाजिक कुरीतियों को खत्म करते हुए किसानों की स्थिति सुधारने, समाज में महिलाओं को उनके अधिकार दिलाने का उल्लेखनीय काम किया। इनका नाम था महात्मा ज्योतिराव फुले। महात्मा ज्योतिराव फुले को 19वीं सदी का प्रमुख समाज सेवक माना जाता है। उनका जन्म 11 अप्रैल 1827 को महाराष्ट्र के पुणे में माली परिवार में हुआ। 24 सितंबर 1873 को दलित और निर्मल वर्ग को न्याय दिलाने के लिए महात्मा ज्योतिराव फुले ने सत्य शोधक समाज स्थापित किया। 28 नवंबर 1980 को ज्योतिराव फुले ने संसार को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। इस अवसर पर उपस्थित प्रोफेसर विजय कुमार, पवन कुशवाहा, अंशुल, रामलखन, रवि कुशवाहा, ब्रजेंद्र कुशवाहा, एडवोकेट राम नरेश, एडवोकेट पर्वत सिंह, संतोष कुशवाहा, शिक्षक मेहरबान सिंह सभी समाज सेवी उपस्थित रहे। डबरा से नीलेश कुशवाहा की रिपोर्ट। आज सभी लोग महात्मा ज्योतिराव फुले की जयंती पर कुशवा छात्रावास में उपस्थित हुए। बात करते हैं कुशवा समाज के सोहर क्षेत्र के अध्यक्ष साहब। आज का साहब बहुत बढ़िया स्वाद हुआ कि सारे लोग इकट्ठे हुए, कम स्टेंशन के हिसाब से कम लोगों को इकट्ठा किया और बढ़िया कार्यक्रम है। समाजी इकट्ठे अच्छा कार्यक्रम रहा। मैं इसमें कुशवा समाज के समाज सेवी और प्रोफेसर जी से बात करते हैं, महात्मा ज्योतिराव फुले के बारे में परिचय की जानकारी देते हैं। सबसे पहले आज महात्मा ज्योतिराव फुले की जयंती के शुभ अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। इस कोरोना महाकाल की बीमारी में आप सभी को एक संदेश भी देना चाहते हैं कि सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए और दिन में हाथ धोते रहें, मास्क लगाकर चलें। ये अभी जो महामारी है उस पर भी हमें ध्यान देना है। साथ ही साथ जिस प्रकार से आज हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, इस दिन हम लोग हजारों की भीड़ यहाँ इकट्ठी हुआ करते थे, लेकिन कोरोना काल के कारण हमने कमी लोगों को यहाँ आमंत्रित किया और माल्यार्पण किया। महात्मा ज्योतिराव फुले ने न केवल हमारे इस देश के सभी गरीब, मजदूर, किसान या फिर निचले तबके के लोग हों या माता साहब ज्योतिराव फुले ने जो काम किया, जो हमारे शिक्षा के क्षेत्र में काम किया है, महिलाओं को पढ़ाने का काम किया, वो आज तक कोई भी हिंदुस्तान के पूरे विश्व में ऐसा काम नहीं कर सकते। महात्मा ज्योतिराव फुले ने लगभग 1818 स्कूल खोले और शिक्षा सभी के लिए निःशुल्क दी। उन्होंने अपना पूरा घर परिवार तक को त्याग दिया। उनके ऊपर इतनी समस्याएं उस समय जब आईं, जब हमारा देश स्वतंत्र भी नहीं था, उस समय पर उन्हें चाहे पिछड़ा हो, चाहे दलित हो, चाहे शोषित हो, उन समाज को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, पढ़ने लिखने का अधिकार दिलाया। इसी के साथ साथ आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, मैं सभी से ये संदेश देना चाहता हूँ कि अपने घर में, हर घर में महात्मा फुले और माता सावित्रीबाई फुले की एक एक तस्वीर होना चाहिए और आने वाले समय पर हम सब लोग एकत्रित होकर के, एकजुट होकर के रहें। जन अधिकार पार्टी की ओर से हम लोगों ने यहाँ माल्यार्पण का कार्यक्रम किया था। आज सुबह जो मैसेज डाला कि जन अधिकार पार्टी एक छोटा सा कार्यक्रम करने जा रही है, मैं यहाँ का प्रदेश महासचिव हूँ और साथ में मैं ये भी कहना चाहता हूँ, सभी लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे से पढ़ाएं, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाएं। अभी स्कूल बंद हैं तो लेकिन घर में पढ़ाएं, घर में भी पढ़ाने का अपने माता पिता का ये कर्तव्य है, ये दायित्व है। वो नहीं पढ़ पा रहे हैं तो खुद उनको पढ़ाने का काम करें। अभी हो सकता है ये 2-4 महीने में या 1-1.5 साल और चले, ये महामारी चल सकती है, लेकिन उस समय में भी हमें अपने आप को अड़िग रहना ज़रूरी है। अगर हम अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दे पाए तो हो सकता है कि आगे आने वाला समय, जो पहले समय था, वही समय वापस ना आ जाए। ये बहुत बड़ी चिंतनीय, दयनीय बात हो रही है। ये चिंता का एक विषय है, हम सभी लोगों को सोचना चाहिए आज ऐसा क्या है कि हमारे बच्चे क्यों ऊपर नहीं जा पा रहे। आज पूरा का सेक्टर अगर हम बात करते हैं तो पढ़ लिख जा रहे हैं बच्चे, कई नौजवान हमारे साथ में भी हैं, उन्हें नौकरियाँ नहीं मिल रही, सरकारी नौकरियाँ मिल नहीं रही। क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि सरकार के पास अब कुछ बचा ही नहीं, पूरा प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, हर चीज़ को बेचा जा रहा है। जब सब चीज़ बेच रही हैं
तो किसमें नौकरी करेंगे? हमारा युवा साथी, हमारा किसान, जो आज 3 बिल लागू किए गए हैं, यहाँ किसान हमारे दिल्ली में आज 150 दिन से वहाँ पड़े हुए हैं, लेकिन उनकी कोई बात सुनवाई नहीं। ये कितना, ये डेमोक्रेसी में, एक लोकतंत्र के अंदर ये देखा जाए तो कितनी बुरी हालत है। यही कोरोना काल जब पिछले साल लागू हुआ तो मजदूरों को लाने ले जाने के लिए इतनी उन्होंने सुविधाएं नहीं दे पाई, कई हजार लोग हमारे लोग रास्ते में चलते चलते मारे गए। ये बड़ा सरकार की सोचना चाहिए। मैं सरकार से अपील करना चाहता हूँ, लॉकडाउन लगाने से पहले, अगर ऐसा लॉकडाउन लगाने की इनकी आगे इच्छा है, ऐसा लग सकता है, तो उन मजदूरों को पहले जैसा काम ना हो, उन्हें अपने स्थान पर पहुंचा दिया जाए, सुरक्षित पहुंचा दिया जाए। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, एक बार सभी को फिर से महात्मा को लेके बहुत बहुत शुभकामनाएँ बधाई।